बाईस नंबर के रजिस्टर में 25 पेज पर 10/3/89 का पैसे क्लास शिव भगवान वाच बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं दुनियादारी बच्चों को नहीं समझाते हैं और दो अभिमानी समझेंगे भी नहीं तो रूहानी बच्चों को बस समझाते हैं इस दुनिया को तो आखिरी दुनिया जरूर कहेंगे नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं सिर्फ थोड़े नहीं बहुत थोड़े अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए कि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं किसको समझाए ये राज भी उनको समझाना चाहिए जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए बोलो फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथनानुसार एक बाप की ही है गीता को तो सब मानते ही है गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए मीडिया क्या बताया गीता ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा में उनका पार्ट नुदा हुआ है बाप यहाँ करके आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं किसके द्वारा गीता द्वारा और गीता द्वारा ब्रह्मा गीता द्वारा स्थापना करते हैं नई दुनिया की या ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं कहीं बोला ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना या ब्राह्मण धर्म की स्थापना अब यहाँ गीता द्वारा बोल दिए वास्तव में जो गीता है वो ही माता है वो गीता माता ही जगत माता है जगदम्बा है इसलिए मुरली ने बोला जगदम्बा ब्रह्मा को कहेंगे वास्तव में प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं अपन को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करने के लिए आता हूँ आने के लक्ष्य दो बताए एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश तो लक्ष्य पूरा करके जाएगा या बीच में चला जाएगा तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर वन हो जाएगी एक धर्म की स्थापना हुई तो स्थापना के बाद विनाश स्वतः होगा
अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किकरा हो पड़ा है। इस समय के मनुष्य हैं बिच्छू चिंडन में सर। बिच्छू चिंडन क्या करते हैं? एक दो को दुख देते हैं, ताकते रहते हैं। अब वास्तव में बिच्छू चिंडन तो इस समय के मनुष्य हैं। अब जो नई प्लानिंग होती है उनमें मनुष्य बिच्छू चिंडन मिसाल नहीं पैदा होते। कौन सी नई प्लानिंग हो रही है? बिच्छू चिंडन होते हैं एक दूसरे को काटने वाले, और काटने के बाद विचार भी नहीं करते कि हम ये क्या करते हैं। और मनुष्य कैसे हैं? इस पुरानी दुनिया में मनुष्य कैसे हैं? बिच्छू चिंडन मिसल, ये दुख भी देते हैं और फिर विचार भी नहीं करते। लेकिन जो भगवान नई प्लानिंग करते हैं उसमें बिच्छू चिंडन मिसल नहीं होते। कैसे होते हैं? मनन चिंतनशील आत्माएं होती हैं, मनुष्य आत्माएं। वहां के जानवर पंछी आदि साफ फर्स्ट क्लास होंगे, दुख देने वाले नहीं होंगे। ऐसे होंगे जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं। बाप बस समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया इसलिए है कि आकर के फैमिली प्लानिंग करो। इसे बस समझाते हैं बाप बैठ किसे समझाते हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे किस लिए बुलाया है, है? कि आकर के इस बिच्छू चिंडन की जो दुनिया है बड़ी पौड़ी, इसकी प्लानिंग फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिली को वापस ले जाओ। जो पावन नहीं बनना चाहते उनको वापस ले जाओ और पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर के पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? बात हो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नुदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सती की प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। कांटों के जंगल को ही खलास कर देती हूँ, इस सारे बम्बोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है और कोई में ताकत नहीं है जो इस सारी दुनिया रूपी बम्बोर को आग लगाए। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या? हम भगवान के बच्चे नहीं है क्या? भगवान के बच्चे तो हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का। और परमात्मा बाप का ये गुण नहीं, वो संपूर्ण अहिंसक नहीं कहा जाता। वो संपूर्ण अहिंसक बने तो इस पुरानी दुनिया को खलास नहीं कर सकता। तो ये धंधा बाप का ही है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो नहीं सकता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, बड़ी बड़ी हस्तियां आईं,
लेकिन पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये कोई नहीं कर सका। पुराने में थोड़ा सा नया मन, नयापन ऐड कर दिया, लेकिन उससे कोई नई दुनिया नहीं बन गई। नई दुनिया तो बनती ही तब है जब पुरानी दुनिया को समूल नष्ट किया जाए। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वो ही बड़ा भारी दुश्मन। क्यों नहीं खलास कर सकते पुरानी दुनिया को, बच्चे खलास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिसको दोस्त समझते हैं उस दोस्तों को छोड़ते नहीं बनता। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं, इनके काम के तेरे या मित्र, बड़े धूमधाम से काम कतारी चलाते हैं, काम कटारी बनाम नैन कटारी, उसको चलाने के लिए भी धूमधाम की जाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं क्या? काम कटारी चलाते हैं जिससे एक दो का कोष करते हैं, कोषमन जैसे कोष घर होते हैं तो उनमें क्या होता है, गाय को मारा जाता है, बाप आर्डिनेंस निकालते हैं, अब इन काम विकार पर जीत पहनो, ये भी ड्रामा में नूद है। उनका ऐसा चित्र बनाना चाहिए इनका, बाप का, जो कोष घर खोलते हैं उनका ऐसा चित्र बनाना चाहिए, कुमार और कुमारी दोनों के हाथ में काम कटारी देनी चाहिए। ये चित्र बनाओ, वो उनके गले को और वो उनके गले को लगाते हैं। फिर तुम समझाओ उस चित्र पर, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है और तुम फिर काम कटारी चलाते हो जिससे एक दो का कोर्स करते हो। कोर्स करना माने मारना, किसको मारते हो? अपनी रूहानियत को मारते हो। कोश करने से, नैन कटारी चलाने से रूहानियत खलास होती है। बिचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। ये तो कल्प कल्प बात ही करते हैं ड्रामा अनुसार। फिर ये तो होना ही है, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने फिक्र की कोई बात नहीं कि अरे इतनी बड़ी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया, ये सब खलास हो जाएगी। ये तो अच्छा नहीं होगा, ये तो बहुत बुरा होगा। तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है, बाप प्रैक्टिकल में ये कार्य कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में माना पुरानी दुनिया रूपी संगठन का विनाश,
ये प्रैक्टिकल में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या होता है और इम्प्रैक्टिकल क्या होता है। प्रैक्टिकल कहते हैं साकार शरीर से कार्य को पूरा करना, और इम्प्रैक्टिकल माना सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, मुख से बोलना बोलना है, सुनना और सुनाना है, लेकिन करना नहीं। तो बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश। वो लोग कितना माथा मारते रहते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, कि जाति फालतू पैदाइश न हो। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ कि अभी के कैरेक्टर्स देखो कितने खराब हैं, और देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ऐसे तुम बेपरवाह होकर के वाणी चलाओ, बोलो। ये काम कोई तुम मिनिस्टर्स का नहीं है। कौन सा काम? फैमिली प्लानिंग करना। ये तो ऊंचे ऊंचे बाप का ही काम है। देवताओं के धर्म में बरोबर एक धर्म एक राज्य एक भाषा थी। क्या कहा? कौन सी दुनिया का विनाश कराना है बाप को, जो अनेक प्रकार की धारणाएं बताने वाले हैं, अनेक प्रकार का शासन चलाने के कानून बताते हैं, और अनेक प्रकार की भाषाएं चलाने वाले हैं। बाप तो एक धर्म एक राज्य एक भाषा ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं, बाकी अनेक धर्म अनेक राज्य अनेक भाषा अनेक मतों की दुनिया का विनाश कर देते। कितने थोड़े मनुष्य थे सत्यगुण जब एक का राज्य था। कब था एक का राज्य? नयन से पहले था, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में एक का राज्य। किस एक का राज्य था? एक माउंट आबू से ही सारा कंट्रोल होता था। ये अलग अलग जोनल इंचार्ज नहीं थे, धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में बटी हुई नहीं थी। रावण राज्य में ही धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में बट जाती है। अपने अपने जोन में अपनी अपनी भाषाएं चलाते हैं, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए भी ओरिजिनल वाणी नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे? उसका ट्रांसलेशन करके भाषा सुनेंगे। तो जब ट्रांसलेशन करने वाला ट्रांसलेशन करेगा तो उसमें मिक्सचरिटी तो जरूर हो जाएगी, विचारी ज्ञान हो ही जाएगा। तो उनसे पूछना चाहिए कि जब एक राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, पूछना चाहिए। परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। दूसरा पेश, वो रोहाब नहीं रहता है रूहानियत का। उनको ये लक्ष्मीनारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। इनके राज्य की, लक्ष्मी नारायण के राज्य की। तो जिनके राज्य की स्थापना हो रही है वो जिंदा होंगे या मर गए होंगे या आगे पैदा होंगे? जिनके राज्य की स्थापना बाप करने आए हैं और अनेक राज्यों का अनेक धर्मों का विनाश करने आए हैं, तो वो तो जरूर जीवित होंगे ना।
तब तो उनके राज्य की स्थापना होगी। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ, इसलिए बत्तियां किस लिए लगाओ कि अंधे की औलाद अंधों को दिखाई पड़े, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, नहीं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। क्या नहीं दिखाई पड़ता कि संगम भी लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं वो कौन से हैं? बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी बदलने नहीं चाहिए, एक ही फीचर्स रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने जिन्हें लक्ष्मी नारायण का और लक्ष्मी नारायण समान बनने का लक्ष्य दिया वो तो नर से नारायण बनने वाली लक्ष्मी नारायण है। तो उन्होंने उस चित्र को ध्यान से जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने क्या किया, उस चित्र के फीचर्स को बदलते चले गए। जो भी नए नए चित्र बनाए लक्ष्मी नारायण के वो अलग 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 फीचर्स वाले हो गए। ऐसा ड्रामा प्लान अनुसार जो जिस धर्म का होगा तो उस धारणा के अनुसार फीचर्स भी चेंज करेगा। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ जो ज्ञान की रोशनी होती रहे, उनकी पहचान की रोशनी होती रहे, उनकी पहचान की जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी पहचान होती रहे। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो, कौन सी फेरी में? प्रभात मान अमृत बेला, कौन सा हद का अमृत बेला? वेद का अमृत बेला कौन सा होता है, कब होता है? कहते हैं रात्रि के 12 बजे शिव जयंती होती है और कृष्ण की जयंती बाबा ने बताई 4 बजे, तो जरूर अमृत बेला 4 बजे के बाद ही होगा। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र जब प्रत्यक्ष होगा तो चित्र धर्म पिताओं के मौखिक ट्रांसलाइट का होगा या सामान्य होगा? कौन से चित्र की बात करते हैं, जड़ चित्र की बात करते हैं या चैतन्य चित्र की बात करते हैं? जिस चैतन्य चित्र की तरफ हम इशारा देंगे, रोशनी देंगे, जब सतगुरु की सवेरा होने का टाइम आएगा या आता है तो उन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स ट्रांसलाइट के माफिक देखने में आएंगे, जैसे धर्म पिताओं के चित्र देखने में आते हैं। कैसे? गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट का चित्र ध्यान से देखो तो प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो। ट्रांसलाइट माने पारदर्शी, इस शरीर रूपी पर्दे के पीछे उनकी रूहानी स्टेज या उनकी रूह स्पष्ट दिखाई दे, पारदर्शी, एकदम क्लियर कोई देख सके। बोलो, हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह की रूहानियत लाइट वाले जो पारदर्शी दिखाई देने वाली आत्माएं होंगी, मनुष्य आत्माएं, वो नई दुनिया में रहेंगी और बाकी सब खलास होने वाले। हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जब लक्ष्मी नारायण पारदर्शी होंगे तो प्रजा भी पारदर्शी होगी, रूहानियत की स्टेज वाली होगी।
द्वितीय डायनेस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो हे पति का पावन आओ, हमको पावन बनाओ, इसलिए आओ, पावन बनाने के लिए आओ, ये तो नहीं कहते कि हे पति का पावन आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ, कहते हैं ऐसे तो नहीं कि 69 तक ज्ञान सुनाओ उसके बाद चले जाओ, फिर हम पतितों को पावन बनाते रहेंगे। या ज्ञान सुनने वाले जो हैं वो पतितों को पावन बनाते रहेंगे, ऐसे नहीं है। जो गायन है हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, तो जरूर पावन बनाने के लिए ही आता है, तो बात ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बाकी माने कौन? देवी देवता सनातन धर्म, सनातन माना पुराना। सचिव में भी 8-9 डायनेस्टी होती है, तो उनमें जो सबसे पुरानी डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी, वो ही पूरे पावन बनते हैं। और जो अधूरे पावन बनते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा बाबा, ऐसे और कोई नहीं कह सकता। ऐसे नहीं कि तुम ब्रह्मा के लिए बाबा बाबा कहते हो, बोलो जो बाबा के हाथ में ही एक प्लान, फैमिली प्लानिंग है, ये फैमिली प्लानिंग करना ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवता वंश, शुद्ध होते नहीं, ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे, माना ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो सेकंड डायनेस्टी का नारायण और उसकी प्रजा है वो सब खलास, और सेकंड डायनेस्टी से लेकर के 8वीं डायनेस्टी तक जो भी प्रजा 2 करोड़ को 76 तक संदेश मिला होगा वो सब खलास हो जाएगी। इस बात की प्लानिंग को आकर के समझ लो, तुम्हारी ये बात सुन करके तुम पर बहुत कुर्बान हो जाएंगे, और ये मेरे सर आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि विकारी है ना, तो जो खुद विकारी है वो निर्विकारी प्लानिंग कैसे बना सकते है? कितना सहज, परंतु ऐसी ऐसी बातें तुम करते नहीं हो। कैसी कैसी बात है? हाँ, ये पूरी जो दुनिया है ब्राह्मणों की इतनी बड़ी, वो सब खलास हो जाने वाली है, और कौन से बचेंगे? जो संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले होंगे, 16 कला संपन्न बनने वाले होंगे, पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने वाले होंगे, वो ही बचेंगे, बाकी सब खलास। ऐसी ऐसी बातें तुम करते नहीं हो, क्यों नहीं करते हो? ऐसी ऐसी बातें क्यों नहीं करते हो? मिनिस्टरों से डर लगता है क्या? बाबा कहते हैं वो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। जो ऊंच के ऊंच भगवान है वो आते ही हैं ये प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बनाई देते हैं,
पाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देता है। ये ब्राह्मण दूध है, समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सत्य चक्र के आदिमर्यंत को तुम नहीं जानते। बाप बतलाते हैं सत्युवाद में न इतने मनुष्य होते हैं न फैमिली प्लानिंग आदि की कोई बात ही करते हैं। मुरली के दूसरे पेज का मत सदगति दाता एक बाप ही है। सदगति अर्थात सचिव भी मनुष्य, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। क्या सदगति सच्ची गति, काय की सच्ची गति, किसी की सच्ची गति, आत्मा की सच्ची गति। और फिर जब आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा की सच्ची गति होती है तो शरीर की भी गति सच्ची होती है, माने सदगति होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा की जब दुर्गति होती है, दुष्ट संकल्प आत्मा में दुष्ट संकल्पों का खून बहता रहता है तो कहेंगे दुर्गति, और श्रेष्ठ संकल्पों का ही खून बहे तो कहेंगे सदगति। ये सदगति सिवाय बाप के और कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। मनन चिंतन मंथन सब संकल्पों का ही हो, ज्ञान का ही हो, नई दुनिया का हो, सर्विस के ही प्लान बुद्धि में चले, बाकी पुरानी दुनिया बिल्कुल भूल जाए, ऐसी पढ़ाई सिवाय परमात्मा के और कोई पढ़ाई नहीं सकता। तो सदगति एक बाप के ही हाथ में है। सदगति में पहले पहले ये देवताएं होते हैं बहुत थोड़े। क्या कहा? सदगति में ये है देवताएं। कौन से देवताएं? ऐसे नहीं जो कहें कि ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, खलास हो जाओगे। ज्ञान की गहराई में जाने वाले ही यह देवताएं होते हैं, उन्हीं की मन बुद्धि की सदगति होती है। ये फर्स्ट क्लास धर्म था, बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। जो चौथाई कला भी कांटा होते हैं उनकी प्लानिंग, उनके लिए प्लानिंग नहीं करते। काम तो महाशत्रु है, ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से काम को जीत लिया, दूरबाज खुशबाज हो गए तो काम महाशत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। बाबा ने कहा पवित्र रहो, तो उन्होंने समझा चलो स्थूल कर्मेंद्रियों से हम पवित्र रहेंगे, दृष्टि से अपवित्रता कोई चीज नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, चाहे दृष्टि हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे कृति हो, अथवा कोई भी कर्मेंद्रिय हो, कान ही क्यों ना हो, कान से भी अगर हम एक की बात सुनने में रुचि लेते हैं तो कहेंगे अब भी विचारी, और अनेकों की बात सुनने में रुचि लेते हैं तो कहेंगे भी विचारी ज्ञान, उसको कहेंगे पतित। तो काम महाशत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते, इनके पिछाड़ी काम के पिछाड़ी जानमारी कर देते हैं। कोई की किसके साथ दिल लग जाती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी दुनिया। एक दो पर काम कटारी चलाए कांटा लगाते रहते। सत्युग में तो काम कटारी की बात ही नहीं, दोनों को फूल मिलते हैं और फूलों की ही वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। इनको बाबा के दिए हुए इशारों को तुम रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक ही है, किसको समझाना भी बहुत सहज है, सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। तुम्हारा काम क्या है? सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना,
और उन गुरुओं का काम क्या है? पाप से बुद्धियोग जुड़वाना और अपनी तरफ बुद्धियोग जुड़वाना। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं, उन्होंने क्या समझ रखा है कि बाप ऊपर में बतन में बैठा हुआ ये सब काम हम बच्चों से कराएगा। तो ये काम तो कोई भी मनुष्य शक्ति की पावरफुल से पावरफुल आत्मा भी नहीं कर सकी। सब धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना, अनेक राज्यों का विनाश और एक राज्य की स्थापना, एक मतों का, एक मत की स्थापना और अनेक मत का विनाश, ये तो एक बाप का ही काम है। और ये काम कोई ऊपर बैठ करके नहीं करेगा, नीचे ही पुरानी दुनिया है, पुराने धर्म हैं, पुराने राज्य हैं, तो उनको खलास करने के लिए भी नीचे आना पड़े क्या? नीचे आना पड़े, ऊंची स्टेज में बैठ करके ये काम नहीं होता, ये काम भी नीचे स्टेज में आकर के करना पड़े। अपवित्रता से होता है विनाश और स्थापना होती है पवित्रता से। ब्रह्मा द्वारा, गीता माता द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश करते हैं खुद। शंकर को भी निमित्त मात्र बताया है, कराते हैं शक्तियों द्वारा। तो ऊपर में बैठ करके ये काम नहीं करेगा। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है, आखिर लोग तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। तो जो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, किस अज्ञान की नींद में, जो समझते हैं कि बाप ऊपर बैठ करके सारा कार्य करता है, या बाप सर्वव्यापी होकर के सारा क्या कार्य करता है, बाप इस समय एक व्यापी नहीं है, तो ऐसी अज्ञान की नींद में जो सोए पड़े हैं वो असुर हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। विकारियों का विनाश होता है, जो निर्विकारी बनते हैं वो फैमिली आकर के राज्य करती है। कौन निर्विकारी बनते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र को दिखाओ, इस चित्र को ध्यान से देखो, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऊपर और राधा कृष्ण का चित्र नीचे दिया हुआ है। राधा कृष्ण जो नीचे स्टेज में दिखाए गए हैं, उनकी भी दृष्टि एक दूसरे में सिर्फ डूबी हुई दिखाई गई है, वो भी दृष्टि मात्र, किसी दूसरे में उनका आकर्षण नहीं होता। और उनके जो रचयिता ऊपर खड़े हैं, कौन? लक्ष्मी नारायण। उनकी स्टेज क्या है? उनकी दृष्टि भी एक दूसरे में नहीं डूबी हुई है, सिर्फ व्यक्ति मात्र से एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, प्यार है, अव्यभिचारी इसमें है। तो जो ऐसे निर्विकारी बनते हैं वो फैमिली आकर के राज्य करती है। कैसे निर्विकारी? कि दृष्टि का विकार तो दूर, लेकिन वृत्ति से भी, वाइब्रेशन से भी व्यभिचारी नहीं बनते, ऐसी फैमिली आकर के राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी? किसकी स्थापना? ब्रह्मा धर्म की स्थापना उसका गायन नहीं है शास्त्रों में। देवता धर्म की स्थापना, ऐसी फैमिली की स्थापना जिस फैमिली में वाइब्रेशन से भी कोई व्यभिचार नहीं होता। मान लो एडवांस पार्टी में ये सिखाया गया कि पतित मनुष्य की दृष्टि का दान लेना भी या दान देना भी, ये भी विकृति है, तो दृष्टि का विकृति को बंद किया गया। जैसे वहां स्थूल विकार में जाना मना किया, तो दृष्टि के सूक्ष्म विकार में आकर के फंस गए। जैसे कहावत है, खजूर से गिरे बबूल में लटक गए। तो ऐसे यहां भी होता है, दृष्टि का करप्शन जब दूर कराया जाए तो फिर कहां फंसते हैं जाकर के? वृत्ति तो वृत्ति से पकड़ लेते हैं,
वाइब्रेशन खराब करने लग पड़ते हैं। लेकिन वाइब्रेशन खराब करने वालों की भी फैमिली की स्थापना ब्रह्मा द्वारा नहीं होती। कैसी फैमिली की स्थापना होनी है? जो दृष्टि तो दूर लेकिन वृत्ति से भी किसी प्रकार का विचार न पैदा करें। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है किसकी? इस फैमिली की। ये प्लानिंग अभी हो रही है। क्या प्लानिंग हो रही है? कि ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा किला बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके। अभी तो प्रवेश होता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उनके लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। आप पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है क्या? ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ऐसी निर्विकारी पुरुषोत्तमों की फैमिली स्थापन करने का आज जो छोटा संगम युग है वो कितने वर्ष का है? अरे 50-60 वर्ष का। मतलब कि 50 से ऐसे पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं और 60 तक उनकी स्थापना हो जाती है। तो 50 कब पूरा हुआ है? 86-87 से शुरुआत हुई और 86-87 में 50 वर्ष पूरे होते हैं। उस समय से ऐसी फैमिली की स्थापना जिसमें दृष्टि और वृत्ति मात्र भी वाइब्रेशन विचारी न बनाया जा सके, ऐसी प्लानिंग चलती है। और इससे पहले कैसी प्लानिंग चलती है चलाने वालों के द्वारा? वो उससे पहले जो प्लानिंग है वो ऐसी प्लानिंग नहीं होती जिसे हम कहें पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम बनने वाले को प्रत्यक्ष करने का युग नहीं होता। वो बल बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए लेते हैं लेकिन मनाया न मनाया बराबर हो जाता है, प्रत्यक्षता हो नहीं पाती। तो 50-60 वर्ष में बिल्कुल अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। कितनी अच्छी? जो ट्रांसलाइट का चैतन्य चित्र लेकर के तुम किसी को समझा सको, इतनी अच्छी फैमिली प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुक चुक कराए अपने घर वापस ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे। इतना सारा किचड़ा नहीं, 35 करोड़ की तो बात ही नहीं। इतना सारा किचड़ा, किचड़ा किसको कहा? जो न कर्मणा से विकार को छोड़ना चाहते, न वाचा से विकार को छोड़ना चाहते, न दृष्टि से छोड़ना चाहते, और वृत्ति की तो बात ही बहुत ऊंची, बुद्धि में लक्ष्य भी नहीं लिया है, इस बात पर उनको विश्वास भी नहीं है। ऐसे किचड़े को बाप वापस ले जा रहे हैं। वहां नहीं ले जाएंगे, कहां? इतना किचड़ा वहां स्वर्ग में है। जो पहले नंबर की डायनेस्टी है, पहले नंबर का गार्डन, उसमें नहीं ले जाएंगे। बाप खुद भी जाते हैं कि ले जाएंगे? है? नहीं, ऐसी दुनिया में जहां के लिए बताते हैं वहां किचड़ा नहीं ले जाएंगे तो वहां बाप जाते हैं क्या? खुद जाते हैं? नहीं जाते हैं। नहीं ले जाएंगे ये क्यों कह रहे हैं? जो खुद ही नहीं जाएंगे तो नहीं ले जाएंगे, ये तो ले ही कहां से जाएंगे जब खुद ही नहीं जाते हैं। ठीक ही आत्माएं वहां जा न सके, इसलिए बाप आकर के गुलगुल बना करके ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो कैसी कैसी बातों को, इन बातों को तुम रियलाइज करते रहते हो
बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने की रिहर्सल तुमको कराए रहा हूं। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले में सल अपना कार्य कर रहा हूं। मिसाल कहां का दिया? कल्प पहले का मिसाल दिया। स्थापना कर रहा हूं, पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदल पावन फैमिली की स्थापना करो। तो कल्प पहले क्या हुआ था? है कल्प पहले मन यज्ञ के आदि में सत्यजी शूटिंग से पूर्व उस काल की बात बताई। पहले भी ये काम किया था। क्या काम किया था? कि जो पावन बने उनको स्वर्ग के संगठन में टेंपल में ले गए, और जो पावन नहीं बने पतित बनते रहे उनको खलास कर दिया। लेकिन क्या आदमी ऐसा हुआ? ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे कार्य करते थे, उनको कितना समझाते थे कि तुम विकार में मत जाओ, फिर भी नहीं माना। तो वो चल बसे, खलास हो गए। कराची में नरक की दुनिया के बीच, खून की नदियों के बीच सड़क के टेंपल की स्थापना हो गई, विकारियों का खलासा हो गया। तो यज्ञ के आदि में तो हुई रिहर्सल, अभी भी बाप तुमको रिहर्सल कराते रहते हैं। कैसे? कोई भी संत है या कोई भी ब्राह्मणों की फैमिली है वो कब टूटती है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। कोई भी सेंटर अगर टूटा है तो उसका कारण सिर्फ एक ही दिखना आता है, इम्प्योरिटी। तो बाप रिहर्सल अभी भी कराते रहते हैं। यज्ञ की आज से यह रिहर्सल होती चली आई है। तो कल्प पहले में कल मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही है पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सात पतित है। क्या? इस समय सब पतित है माना? सब माना कौन? एक बाप को छोड़ कर के? बाप तो किसी गिनती में ही नहीं आता। जो गिनती में आवे चक्कर में आवे। बाप क्या गिनती में आता है? 500 करोड़ की गिनती में तो वो तो एवर प्योर है, उसकी तो बात ही नहीं। उस आत्मा की, उस सोल की तो बात नहीं। फिर बात किसकी है? जो जन्मण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो सब इस समय सात पतित हैं। तो नंबर बात, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना साध मना करते हैं, और ही पावन से बदल कर पतित बन जाते हैं। पहले कुमारी पावन होती है, बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। काम कटारी चलाते चलाते काले हो गए हैं। क्या कहा? ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया के आदि में जो स्वर्ग की शूटिंग कराई वो स्वर्ग की दुनिया नीचे क्यों गिरी? गोरे से काले कैसे हो गए? काम कटारी चलाते चलाते काले हो गए। बाप दिन प्रतिदिन कड़े अक्षर देते रहते हैं। लौकिक बाप भी समझाते हैं कि शादी न करो। आजकल शादी करने का अर्थ क्या होता है? आज की दुनिया में शादी का अर्थ क्या लगाते हैं? हैं? विकार में जाना, विकृति में जाना माना शादी। तो बाप भी समझाते हैं शादी न करो, माना विकार में न जाओ, क्योंकि काला मुंह हो जाएगा। जितना हम देहभान में जाते हैं तो देहभान में आने से शक्ति नीचे जाती है, और शक्ति का जब पात होता है, पतन होता है, माने पतित बनते हैं, तो चेहरा कैसा होता जाएगा? काला होता जाता। बाबा ने पहले भी बहुत कड़ी वाणी चलाई थी, अब भी समझाते रहते हैं, परंतु कहां कहां बाप को भी जवाब दे देते हैं। क्या जवाब दे देते हैं?
बाप को क्या जवाब दे देते हैं? कोई जवाब तो देते होंगे, जब बाबा ने बोला है तो जरूर कोई जवाब तो देते होंगे। तो अंजाम ये होता है कि काला मुंह कर जलकर खत्म हो जाते हैं। जो बाप को जवाब देते हैं वो खुद ही काला मुंह करके जल मर के जल भुन करके खत्म हो जाते हैं। अब तुम बच्चों को यही धंधा करना चाहिए, समझाना चाहिए। तीसरा पेज, बाबा आखिरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। किस नींद में सोए पड़े हैं? आखिरी नींद में। कैसी अज्ञान नींद में? किस बात का अज्ञान है उनके अंदर कि अभी ये सस्ती 40,000 वर्ष चलेगी और बाप आप अभी दुनिया में कोई कोई नहीं है, हम ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। ये मैलमाड़ियां अटारियां जो हम बना रहे हैं यही स्वर्ग बन रहा है। बाहर की दुनिया वाले भी यही समझते हैं और अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी यही समझते हैं। ये सब आश्रु नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए कि गोरा बन औरों को बनाए तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है और हम दास दासियां हैं तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हुए हैं। क्या कहा? ब्राह्मणों की संगति भी दुनिया में भी कोई शासक शासिका है, प्रशासक प्रशासिका है और कोई कोई दास दासियां हैं, सिर्फ बर्तन मलने का काम कर रही है। तो ये प्रारब्ध कहाँ से आई? जरूर आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कोई हाय हाय हत्या हत्या करे, ये क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में है? छोटी छोटी कन्याओं की कैसी दुर्दशा की हुई है, तो कोई कंप्लेंट करने की बात नहीं है। जो हो रहा है ड्रामा प्लेन अनुसार सब ठीक हो रहा है।